आदाब नाजरीन, AET तेलंगाना न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं अहम खबर की जानिब। CM KCR को सिर्फ अपने बेटे KTR के रोजगार की फिक्र है, नौजवानों की नहीं। वजीर दाखिला अमित शाह ने विजय संकल्प सभा में कहा, सुनो KCR, ये आप या आपका बेटा नहीं है, लेकिन तेलंगाना में BJP हुकूमत बनाएगी। कार का स्टेयरिंग अवेसी के पास है, BJP को एक मौका दें और हम TRS को जड़ से काट देंगे। पेश है AET तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए AET तेलंगाना न्यूज़ को। और आज इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के अंदर जहां तक नजर पहुंचे वहां तक मुंड ही मुंड दिखाई रहे हैं। आप सभी तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हैदराबाद के अंदर, ये भाग्यनगर शहर के अंदर, तेलंगाना में राष्ट्रीय कारोबारी का आयोजन किया था। अध्यक्ष जी और मोदी जी के नेतृत्व में यहां कारोबारी संपन्न हुई है। मैं तेलंगाना स्थापना दिन के दिन भी यहां पर आया था, आज भी आया हूं। मैंने तेलंगाना का मूड देखा है। मैंने एक बात आज घोषणा कर जाना चाहता हूं कि KCR जब भी चुनाव कराना है करा लो, पहले कराओ बाद में कराओ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तेलंगाना में अगली सरकार कमल फूल की बनने वाली है। साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? KCR के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब KTR का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। KCR, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी। जब से तेलंगाना की रत्ना के लिए आंदोलन चला, तब से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की मांग का समर्थन किया था। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने तेलंगाना की रचना को सालों तक रोक कर रखा। जब 2014 में लगा कि मोदी जी आने वाले हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, और मित्रों विभाजन भी ऐसे किया कि दोनों राज्यों के बीच में कभी न मिटने वाली कटुता करी। अटल जी ने भी 3 राज्य बनाए थे, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, कहीं कटुता नहीं हुई। कांग्रेस ने दोनों राज्यों को लड़ाने का काम किया और वो आग को भुनाकर KCR ने सत्ता हथियाने का काम किया। माताओं भाइयों बहनों, KCR का पार्टी का निशान क्या है? KCR की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो क्या है? गाड़ी है ना, गाड़ी है ना, निशान गाड़ी KCR का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के
वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं, पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? लगता है ओवैसी से डर लगता है। भाइयों बहनों, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। हम किसी से नहीं डरते। भाइयों बहनों, यहाँ इतने सारे युवा हैं, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते?